वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे क्यूनेस और सेकेंड लास्ट क्लासेस है, उसके बाद हमारा ये यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। स्क्यूनेस बेसिकली क्या है, आप कुछ ग्राफ में भी समझ रहे हैं। देखिएगा, अभी तक हम मूवमेंट स्क्यूनेस और नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस पर हम स्क्यूनेस का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमने जो यूनिट्स को स्टार्ट किया हुआ है इसमें हम मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, स्क्यूनेस पढ़ रहे हैं, और कर्टेसिस हम नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लासेस कल की क्लास में पढ़ेंगे हम। तो बच्चे, ये सब चीजें हैं क्या? ये बेसिकली आप डेटा पे काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप काम फ्रिक्वेंसी पे कर रहे हो। ये ग्राफ भी कोई डेटा का ग्राफ नहीं है, डेटा तो आपका एक्स एक्सिस पर बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं y एक्सिस पर, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहां पर, y एक्सिस पर अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां फ्रीक्वेंसी है y एक्सिस पर, यहां पर आपके पास में बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो यूनिट है पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, फ्रीक्वेंसी के बिहेवियर को समझने के लिए। अब सवाल है कि सर, फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर हम क्यों समझ रहे हैं, क्या जरूरत आ गया? फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब है कोई डेटा कितनी बार है। तो बच्चे, फ्रीक्वेंसी क्या करता है कि हम जब मीन कैलकुलेट करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो मीन रिलायबल है। कई बार हो सकता है कि मीन कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्चुअल डेटा मीन से बहुत वेरी कर रहे हो। मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर आपके ही घर में अगर कोई एक व्यक्ति 100 साल का या 102 वर्ष का व्यक्ति कोई आपके घर में है, तो आपके घर की एवरेज एज काफी ज्यादा होगी, जो आपके घर के मेंबर जिस एज के आसपास है उससे काफी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं एक्चुअल डेटा एवरेज में कुछ भी जो है कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, या फिर आपके परिवार में बच्चे का जन्म हो जाता है तो आपकी एवरेज बहुत डाउन हो जाएगी। तो एवरेजेज आपके डाउन हो गए, एवरेज एज आपके आगे 18 साल आपके परिवार के, बट आपके परिवार में ज्यादातर मेंबर 30, 32, 35 के मिल रहे हैं। तो इसलिए एवरेज पे आप आंख बंद करके आप बिलीव ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो उसको चेक करने के अलग अलग तरीके हैं। डिस्पर्जन में आपने समझ लिया, और डिस्पर्जन के अंदर आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने पढ़ा, वो सब चीजें ऑलरेडी आप मीन की आप चीजों को चेक कर चुके हो। लेकिन हम यहां पर फ्रीक्वेंसी के हेल्प से, हम फ्रीक्वेंसी के हेल्प से भी इस बात को समझ सकते हैं कि मीन कितना वेरी कर रहा है अपने ओरिजिनल डेटा से। हम फ्रीक्वेंसी के हेल्प से भी इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा मीन, मीडियन और मोड, जो कि बेसिकली एक ही चीज बताता है, मोड एक ये बताता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में। तो इनके बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, इसको हम स्क्यूनेस कहते हैं। अभी स्क्यूनेस के हेल्प से हम कोई भी दो की हेल्प से तीसरी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको स्क्यूनेस सिखाया जा रहा है। अब जैसे कि आप ये देखेंगे यहां पर, मैं इसी की एक बात कर लेता हूं, ये आपका डेटा है नीचे, और ये डेटा का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो जाहिर सी बात है डेटा का मिड टर्म उसका एवरेज होता है, लाइक मीडियन होता है या मीन बोल दीजिए, एक ही बात है। तो इसका एवरेज कितना होगा, ये होगा। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे अगर आप, तो इसकी ये आपने इसको मीन से गए तो जितनी फ्रीक्वेंसी इधर बटी हुई है उतने ही लोग उधर बटे हुए हैं, इस बात को समझिए। लगभग लगभग क्योंकि इसका बिहेवियर एक जैसा है ना, जैसे ये गया, ये जो भी है डेटा 5, 4, 7, 8, 9, 10, इसका बिहेवियर तो ऐसा ही है, तो बिल्कुल सेम है दोनों तरफ। तो जितने फ्रीक्वेंसी इधर है उतने फ्रीक्वेंसी इधर भी है, तो इस वजह से यहां का इसका मीन ज्यादा ऑथेंटिक होगा। और यहां पर आप जो है अगर इस स्टेज में आप आते हैं तो आप यहां पर मीन, मीडियन, मोड में कोई डिफरेंसेस नहीं निकाल पाएंगे, तीनों एक ही होगा। लेकिन बाकी जगह पर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आप जैसे इसका मीन क्या है ये रहा, लेकिन इस मीन में फ्रीक्वेंसी के अगर बिहेवियर को देखोगे तो इधर ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी कम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्क्यूनेस बोलते हैं, ये स्क्यूनेस पार्ट है। और ये राइट साइड में है, इसके मीन के राइट साइड में है ये वाला पार्ट जो ज्यादा फ्लैटर है, इसे पॉजिटिव होते हैं, और मीन बीच वाला टर्म मीन है, और इसके फ्लैटर पार्ट लेफ्ट साइड में, तो उसको नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। इन सबका डेरिवेशन और इन सबका यूज आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं, आपके एग्जाम में सीधा और सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में से रिलेटेड क्वेश्चन और आपके स्क्यूनेस, मूवमेंट और कर्टेसिस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए सीधा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि कैसे इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे दो की हल्थम चीज फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चे, आप सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस।
तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला, स्क्यूनेस निकालोगे तो एस से और कार्ल पियर्सन के से और कोफिशिएंट को पी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो मीन में से मोड माइनस करें, मीन में से मोड माइनस करें अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एक तरीका यह है, एक रिलेशन ये है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सवाल है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आपको बता देता हूं तरीका क्या था। स्टैंडर्ड, अगर सीरीज हमारे इंडिविजुअल थी तो आप क्या कर रहे थे, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स बाय एन, बेसिकली मीन होता है ना, समीशन एक्स बाय एन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये मीन होता है। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में था, अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं तो समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन, यहां पर बस एफ लग जाएगा, माइनस समीशन एफ एक्स बाय एन, ये ध्यान रखिएगा इसका स्क्वायर होगा। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो इसको, तो कोई नई चीज नहीं है, बट फिर भी भूल जाते हैं जल्दी, फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया सामने। तो आपके पास में स्क्यूनेस निकाल रहे हो, कार्ल पियर्सन का निकाल रहे हो, तो आप किस तरह से मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन ये भी देखने को मिलता है, ये वन मार्क्स में या सॉरी स्टार्टिंग में डेढ़ दो नंबर में क्वेश्चन के साथ में लगा हुआ आ जाता है, एक ये भी, इस चीज को भी समझिए, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू मीन माइनस मीडियन, लेकिन ये थ्री टाइम्स हो जाता है, मीन माइनस मीडियन थ्री टाइम्स, ये एक रिलेशन होता है जो कि आपने मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में भी पढ़ा है कि मीन माइनस मोड इक्वल्स टू थ्री मीन माइनस मीडियन। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर फॉर्मूला आप रिप्लेस कर सकते हैं कि आपके पास में कार्ल पियर्सन में आपके पास में मीन माइनस मोड है आपके पास में, तो मीन माइनस मोड को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, मीन माइनस मोड है ना, तो मीन माइनस मोड को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां पर आपके पास में एक और फॉर्मूला आ गया, क्या कि मीन माइनस मीडियन, वो तो मीन माइनस मोड था, ये मीन माइनस मीडियन है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मोड वाले में कुछ नहीं करते, मीडियन वाले में थ्री टाइम्स हो जाता है। तो यहां पर आपके पास स्क्यूनेस का फॉर्मूला मीन का मोड के साथ में भी है, मीन का मीडियन के साथ में भी है, मीन माइनस हमेशा मीन पहले, मीन माइनस मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में कॉमन है, बस मीन माइनस जब मोड हो रहा है तो यहां पर सिंपल है, और जब मीडियन हो जा रहा है तो बस ब्रैकेट लगा के थ्री टाइम्स कर दो आप। क्लियर है? मैं बाबा इस फॉर्मूले को दिखाऊंगा अभी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकते हैं वो उसकी बात कर लेते हैं। फॉर द सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 200, एक्स बार इक्वल्स टू 200। क्लियर है? इसको आप ये भी कह सकते हो समीशन एक्स बाय एन, ठीक है बच्चे, खैर इसकी नीड नहीं है। 200 मोड इज वन, मोड इक्वल्स टू 195.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है इज 16। कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट आप निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे आप, मोड की हेल्प से निकालेंगे। तो मोड की हेल्प से क्या बताया था मैंने आपको, मोड की हेल्प से मैंने बताया था सिंपल है कि मीन माइनस मोड, कुछ नहीं करना और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था आपको। तो स्क्यूनेस आप निकाल रहे हैं, तो मीन क्या है आपके पास में 200, मोड क्या आपका 195.2 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आपका 16। तो आप यहां सॉल्व करेंगे 200 में से 4.8 अपॉन 16 सॉल्व करेंगे 0.3। क्लियर है बच्चे? तो ये आपके पास में आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस बार आपके पास में क्या है, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द मीन एंड मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपल फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करोगे, इसका फॉर्मूला लिखना जरूरी है, पेपर उसके मार्क्स मिलते हैं आपको। तो आपके पास में स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट आप कैलकुलेट कर रहे हो और मीन और मीडियन की हेल्प से करोगे, तो वहां पर तो ब्रैकेट में काम होगा, मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास में 3 और मीन, मीन की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास में, द मीन हैविंग मीन इज 3.41 माइनस मीडियन इज 3.4 एंड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन 0.70।
सॉल्व करेंगे, 3 0.01 अपॉन 0.70 कट गया, तो आपके पास पे 3 बटा 70 क्या है आपके पास में? जीरो पॉइंट जीरो फोर टू, यह आपका आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से। अब यहां पर आप देखिएगा, द फॉर अ ग्रुप ऑफ द 20 आइटम्स, 20 आइटम्स क्या आपके पास में, एन इक्वल्स टू 20 है एंड समीशन एक्स, कैपिटल एक्स है ये, समीशन एक्स इक्वल्स टू 1452 एंड समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर 144280 एंड मोड फाइंड द कार्ल पियर्सन कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है जी, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे आप अपना स्क्यूनेस का, क्या दिया हुआ आपके पास में, ये मीन है और आपके पास में मोड है, तो मीन और मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन तो आपके पास में डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, मीन का तरीका क्या आपके पास में निकालने का, मीन कैसे निकलता है आपका, समीशन एक्स अपॉन एन, तो एक्स सीरीज का सम तो आपको गिवन है, क्या है 1452 अपॉन एन, क्या आपका 20 है, सॉल्व करेंगे तो उससे 14 दो दूनी 4 दो छिक 12 72.6 मीन आपका आ गया। अब सवाल यह है कि आपके पास में मीन है, आपके पास में मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार, ये मीन ही होता है ना, क्या स्क्वायर यही होता है, तो आपके पास है समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन अंडर रूट, तो समीशन एक्स स्क्वायर क्या आपके पास में 144280 और आपके पास में अपॉन एन क्या 20 माइनस मीन कितना आपका 72.6 का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप अपना कैलकुलेट करेंगे, 2 से 14 दो दूनी 4 दो एकम दो चौक 8 माइनस 72.6 का स्क्वायर 5270.76 उसका अंडर रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, जब रूट है आप जब पास कैलकुलेटर है तो पैनिक क्या होना है, माइनस 5270.76 और इसका रूट 44.08 आ गया। सॉल्व करेंगे आप यहां पर स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन आप निकालेंगे मीन, मीन की वैल्यू क्या आपके पास में 72.6 माइनस मोड, मोड की वैल्यू क्या आपके पास में 63.7 अपॉन देखिए हमारे पास में क्या है 0.20, ये हमारे पास में आंसर है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए।
चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें जरा। 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन इज 300, इट्स सम ऑफ द स्क्वायर्स 5000 रुपीज, समीशन एक्स स्क्वायर एंड मीडियन इज दिस, मीन है मीडियन है, फाइंड द कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस, दोनों चीजें फाइंड करनी है। करो बच्चे इसको एक बार। कल होगी बच्चे कोई क्लास, कल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का टॉपिक को कवर करेंगे हम, कल नहीं परसों, और कोर्स रह नहीं गया है, बस आपका टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूं, टेस्ट लेना स्टार्ट करूंगा, उसको सॉल्यूशन और वीडियो पे स्टार वगैरह बनाना है। हाँ जी चलिए इसको कंटिन्यू करें। देखिए द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 300, तो आप देखिएगा सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो एन इक्वल्स टू 20 एंड ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा, उसका सम मतलब सिग्मा एक्स, तो यहां से आप मीन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मीन? समीशन ऑफ एक्स, चलिए पहले डेटा जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या हो गया ये, इट्स सम ऑफ द स्क्वायर, इट्स सम ऑफ द स्क्वायर, डेटा का स्क्वायर का सम ये कह रहा है 5000 एंड मीडियन इज 15, मीडियन इक्वल्स टू 15, फाइंड द कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस, दो चीजें बतानी है आपको, कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस मीडियन है ना, मीडियन की हेल्प से बताएं बात करेंगे आप, थ्री मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पर क्या आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या? मीडियन इज 15, फाइंड द कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है आपके पास में, मीन और मीडियन भी आपके पास में नहीं है, इसमें आपके पास में सॉरी मीडियन आपके पास में, मीन आपके पास में नहीं है, तो पहले इससे रिलेटेड चीजें हम फाइंड कर लेते हैं। मीन नहीं है तो हम मीन निकाल सकते हैं, समीशन एक्स बाय एन, समीशन एक्स क्या हमारे पास में 300 अपॉन एन क्या 20 इक्वल्स टू 15, ठीक है बच्चे मीन निकाल लिया, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है हम निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास में है 5000 अपॉन एन 20 माइनस मीन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 250 माइनस 225 इसका रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या जाएगा 25 और इसका रूट क्या जाएगा 5, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है,
तो आपका फॉर्मूला था थ्री मीन, मीन क्या आपने निकाला हुआ है बच्चे, 15 माइनस मीडियन, मीडियन आपके पास ऑलरेडी गिवन है 15, तो जीरो हो गया आपके पास में, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो गया, जहां पे फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ डिस्ट्रीब इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, तो 0, क्लियर है। हाँ, क्योंकि बच्चे ये जो जीरो वाला केस कौन सा होता है, ये केस होता है, ये जब सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मीन के दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ये सिमेट्रिक है। और जब सिमेट्रिक है तो इसमें तो स्क्यूनेस आया ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी बराबर बटे हुए दोनों तरफ, तो इसमें स्क्यूनेस आया नहीं, इसलिए जीरो है। जहां पर मतलब कि स्क्यूनेस जीरो होता है तो उसका मतलब वहां पर मीन ही मीडियन होता है, इसलिए बच्चे आपके पास में यहां पर दोनों मीन और मीडियन की वैल्यू सेम आई थी। तो ये पूरी तरह ये सिमेट्रिक है आपका फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, अब कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझिए, वो सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी आपको। कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, क्लियर है बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, क्लियर है, कोई डाउट? देखिएगा, कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारे पास में 5, मीन क्या है हमारे पास में 15 गुणा 100, 33.33%, क्लियर है बच्चे। तो एक फॉर्मूला और अपने माइंड में आप रख लेंगे, छोटे मोटे सवाल आते हैं पेपर में। अभी देखिए इतना बड़ा कोर्स आपको लग रहा है, इतना फॉर्मूला लग रहा है, बट एक बार आप बड़े प्यार से एक काम आप कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस स्टडीज को पढ़ें, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम को आपके बहुत ही क्लोज एग्जाम आ गया है, और अभी भी आप प्रतिदिन 1.5 घंटा अगर आप अपनी पढ़ाई को देते हैं तो बिजनेस स्टैट्स में सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। और बिजनेस स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपके मार्क्स काफी अच्छे आ सकते हैं, और आपके बाकी पेपर जिसमें भी अगर आपके पास में जो डैमेज होगा उसको ये कंट्रोल कर देगा। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि बिजनेस, हेलो, अरे देख लीजिए बच्चे, देखिएगा अब आपके बिजनेस स्टैटिक्स के बच्चे टोरा स्क्रीन, हाँ जी बच्चों, तो बिजनेस स्टैटिक्स के बहुत ही आपके पास में कम टाइम बचा है एग्जाम को लेकर करके, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके पास में जिसमें कि आप बहुत अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं। हाँ, यहां पर कैलकुलेशन का इशू आता है बच्चों को कि रूट रूट कैसे निकालेंगे, तो क्यों डरना आपको जब आपके पास में कैलकुलेटर अलाउ एग्जाम में, तो आपको तो कैलकुलेशन करना नहीं है यहां पर, पहली चीज ये। दूसरी बात, चीजें आसान है, चीजें आसान है, ये बात सच है कि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी मैं आपको बताता हूं कि प्लानिंग से अगर आप पढ़ेंगे तो 1.5 घंटे आप डेली पढ़ेंगे तो बिजनेस स्टैट्स का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, उसके साथ साथ एग्जाम में आप जो है 90% से अब इसको डेफिनेटली कर लेंगे। अभी भी जो स्टार्ट करेगा वो स्ट्रेटेजी क्या है जिससे कि आप 1.5 घंटा पढ़ करके 90% से ऊपर स्कोर करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले आप किस तरीके से पढ़ाई करें, जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहला यूनिट तो आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उठाइए, सबसे पहले उठाइए आप, नहीं तो बाकी यूनिट्स में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ये उठाते हैं तो इसके बाद आप पहले क्या करें, आप वीडियोस को देख लीजिए और जो क्वेश्चन मैंने कराया है सिर्फ आप उसी सवाल को कर लीजिए, बस उसके अलावा आप कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें। कर लिया, अब आपको पूरी तरीके से आपका आइडिया हो चुका है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। अब उसके बाद क्या करें आप, उसके बाद आप 10 ईयर लीजिए और 10 ईयर में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पिछले 5 सालों के, आप उन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में, जब आप मेरी वीडियो देखेंगे आपको पीडीएफ भी मिल जाता है, कंटेंट में जाकर देखा करें तो पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं ये पीडीएफ भी मिलता है आपको,
वहां पर आप क्या करें, फाइनली आपको पता कि मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में आपने मीन पढ़ा, मीन में आपने क्या पढ़ा, मीडियन में क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, और आपने जो है पार्टीशन में क्या पढ़ा, तो सब कुछ आपको पता है। तो आप एक पेज पे अपने नोट्स कैसे बनाए, नोट्स के नाम पर सिर्फ फॉर्मूला लिखें। तो आपने मीन का एक टॉपिक लिया उसका फॉर्मूला, मीडियन का लिखा उसका फॉर्मूला, मोड का लिखा उसका फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन का लिखा, ज्योमेट्रिक मीन का लिखा, करेक्टेड मीन का आपने फॉर्मूला लिखा, पहले एक पेज पर फॉर्मूला तैयार कर लीजिए। और आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करा है, वीडियो देखा है, तो ठीक है आप 1-2 घंटे अच्छे से याद कीजिए, फिर आप कोई भी फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए फॉर्मूले की। कर ली प्रैक्टिस, अब उसके बाद आप क्या करें, 10 ईयर में जाइए, पिछले 5 से 6 साल के जो आपके पास है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के सवाल आए हैं वो आपके पास में, 5 साल के तो मतलब 5 सवाल नहीं होंगे, 5 साल का मतलब 5 सवाल तो उसके अंदर होंगे होंगे और 5 उसके और ऑप्शन में भी होंगे, तो 10 सवाल हो गए, और 1 सवाल में 2-3 चीजें होंगी पूछ रहा होगा, तो 10 से मतलब कि 20 से 25 सवाल आपका निकल जाएगा देखोगे तो आप वो अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कुछ आपको नया मिलेगा, कुछ आपको अलग मिलेगा, उसको आप 10 ईयर से आप पूछ लीजिए, नहीं तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो अगर आप वो चीजें अपना जो है क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी कवर, क्लियर है। इसके बाद आप जो है डिस्पर्जन का टॉपिक उठा लीजिए, डिस्पर्जन के टॉपिक को इसी तरीके से फिनिश कीजिए, फिर इसके बाद मूवमेंट एंड स्क्यूनेस आप उठा लीजिए, उसके बाद आप कोरिलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और रिग्रेशन भी बहुत आसान हो जाएगा। और इंडेक्स नंबर का तो इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, इंडेक्स नंबर अपने आप में एक अपनी धुन में चलता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री के मार्क्स। तो आप सिलेबस को अगर आप पूरी किताब को दूर से देखोगे तो वो तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, बीच बीच में से पढ़ोगे तो फॉर्मूला आपके दिमाग से आउट होगा। तो 1 यूनिट करो उसका फॉर्मूले का, आप अपनी शीट बनाओ और 10 ईयर से फिर उसको याद करना प्रैक्टिस करो, आपका अपने आप ही फ्लो आएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपके पास में रहेगी। अब यूट्यूब पे तो भैया वीडियोस स्टाफ डालते हैं और वो उनके पास में बहुत सारा वर्कलोड होता है तो वो 6 मिनट या 8 मिनट की वीडियो डाल पाते हैं, लेकिन जो आप लोग पेड में पढ़ रहे हो इसमें तो आपके पास में 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट जितने देर की क्लासेस होती है वो कंप्लीट क्लासेस आपके पास में डिलीवर होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये तो बड़ी समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ आपको एक तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि आप पढ़ने में आप बहुत लेट हो गए हो स्टार्ट करने में, तो पास होने की दिक्कत हो रही है। लेकिन आप इस बात को भी समझिए बच्चे, अगर आप पास हो भी गए और आपके 60% मार्क्स नहीं बने तो आप ग्रेजुएशन दोबारा करना आपको पड़ेगा, नहीं क्योंकि आप उसके बाद कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। नहीं तो आप बीएड कर सकते हैं, नहीं तो आप एमबीए कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर भी कोई और स्टडी आप फर्दर स्टडी अपनी कर सकते हैं, नहीं आप सीएफए कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे आपकी ग्रेजुएशन को नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मिनिमम रिक्वायर एलिजिबिलिटी 60% रहता है। और वैसे भी आपने देख लिया आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आपके मार्क्स जो है वो उसको आपको कंपनसेट करना है, यहाँ पर वो ऑलरेडी अगर उतने अच्छे नहीं आए तो, और अच्छे आए हैं तो आपको यहाँ पर भी और अच्छा स्कोर करना है, ताकि आगे अगर बाय चांस कोई चूक हो जाए तो कम से कम आपका 3 साल तो खराब नहीं हो, आपके ये अच्छे मार्क्स कंपनसेट कर पाए, डैमेज कंट्रोल कर पाए आपके। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पास होने की रेस नहीं है, फर्स्ट डिविजन से पास होने की रेस है, क्योंकि ग्रेजुएशन में सेकंड डिविजन से पास होना, फर्स्ट डिविजन मतलब 60% से पास होना आपके बाकी चीजों से आपको बाहर कर देता है, आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहते हो, बस आप एक चीज के लायक रह जाते हो अपने पड़ोसी को बताने के लायक कि हम ग्रेजुएट बच्चे हैं, इसके अलावा आप किसी काम के नहीं रह जाते हो। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अभी भी आप अपने 60% से ऊपर का स्कोर आप अचीव कर सकते हो, लेकिन आप जो है ध्यान से तरीके से आप पढ़ें। हाँ जी, फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द अर्थमेटिक मीन इज ऑफ 50, बच्चा पूछा सर डाउट कैसे क्लियर करेंगे, तो मेरा काम मुझे करने दो यार, वो समय आएगा ना सब क्लियर होगा। हाँ जी, क्योंकि मैं 10 ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा यूनिट वाइज। फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द अर्थमेटिक मीन इज 50, तो हमारे पास में एक्स बार इक्वल्स टू 50, मोड इज 44, एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट स्क्यूनेस 0.4, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, आप अपना इसका आप रिलेशन लिखोगे,
आपका मोड है और मीन है, तो इसका फॉर्मूला मीन माइनस मोड अपॉन मीन माइनस मोड अपॉन में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड आपने करना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये वैल्यू गिवन है, मीन भी गिवन है आपके पास में, मोड भी गिवन है आपके पास में, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 6/0.4 60 15। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फ्रॉम अ मॉडिटरी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल प्राइस इन अ मेंस शर्ट्स इज द फाउंड दैट द मीन प्राइस इज, मीन गिवन है आपको 200 एंड मीडियन प्राइस इज, मीडियन गिवन है 170। इफ द कोफिशिएंट ऑफ 20% फाइंड द पियर्सन कोफिशिएंट स्क्यूनेस और द डिस्टर्बेंस। देखिए 20% ये परसेंटेज क्या चीज होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है 20%। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये गिवन है आपको 20। क्लियर है बच्चे? अब यहां पर क्या कुछ आपके पास में गिवन है कि आपके पास मीन गिवन है, तो यहां से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं अपॉन में मीन के आपका 200 इनटू 100 इक्वल्स टू 20, ये आपका कट गया वो 40, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 40, ये चीज आप फाइंड कर सकते थे। ठीक है, अब आपके पास में स्क्यूनेस कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट आपको चाहिए, तो मीडियन से है तो आपके पास में रिलेशन होगा मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सॉल्व करेंगे आप 3, और आपके पास में बच्चे मीन की वैल्यू क्या है, हाँ जी, तो मीन की वैल्यू आपके पास में क्या है, मीन की वैल्यू आपके पास में है 200 माइनस मीडियन 170 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 40। सॉल्व करेंगे आपके पास में 30 और 3 90/40, सॉल्व करेंगे 4 × 4 = 8.25। क्लियर है 2.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए फॉर द मॉनेटरी द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज अरिथमेटिक मीन इज 100, सेम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस गिवन है, निकालोगे यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन मीन था आपके पास में गिवन एंड स्क्यूनेस 2, तो फाइंड द मोड एंड मीडियन। तो आप एक चीज निकालोगे उसको दूसरी चीज निकालोगे, चलो आप कैलकुलेट करो पहले, इसको करिए कैलकुलेट। हाँ जी चलिए देखिए जरा आराम से करेंगे यार, कोई घर जाने की जल्दी थोड़ी है। देखिए आपके पास स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ए, अर्थमेटिक मीन इज 100, एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 35%। ये होता क्या है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन
इंटू हंड्रेड, ये होता है। क्या कुछ है आपके पास में? मीन है आपके पास में, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे आप। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन क्या है? हंड्रेड इंटू हंड्रेड 35। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 35। ठीक है, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और क्या बोल रहा है आपसे? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है आपके पास में। स्क्यूनेस कोएफिशिएंट 0.2। बेसिकली क्या होता है ये? आपके पास में मीन है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन है, और मोड से निकाल दो, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 0.2। 0.2 इक्वल्स टू मीन क्या है आपके पास में? 100 है। मोड आप निकाल लीजिए, ये वेरिएबल तो मिसिंग है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपके पास आ ही गया है, तो 7 और माइनस 100 माइनस मोड एंड मोड इक्वल्स टू 93। लो मोड भी आ गया, और आपसे पूछ के फाइंड द मोड एंड मीडियन। अब मोड एंड मीडियन आपसे पूछ रहा है, तो मोड एंड मीडियन में आपको आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। मीन आपके पास में है ना 100, मोड आपके पास में 93, 3 मीन आपके पास में 100, माइनस मीडियन ही तो नहीं है आपके पास में, तो 7/3 और सॉल्व करेंगे आप, माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस मीडियन, तो 300 में 7 गया 2, 93 माइनस मीडियन सॉल्व करेंगे 9, 2, 11, 3, 14 नहीं कटेगा 293 डिवाइडेड बाय 3 97.66। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। Calculate the mode and median from the following information: the Karl Pearson coefficients skewness given, standard deviation given, arithmetic mean given है। तो आपका standard deviation है, आपके पास में arithmetic mean आपके पास में है, तो minus mode की value निकालोगे, same उसी के से निकालोगे। Similar question है भाई, similar question drop करेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा distribution of the Karl Pearson coefficient of the skewness is 0.5। ठीक है, दिया हुआ है आपके पास में coefficient of variance। ठीक है, यहाँ से आपके पास दिया हुआ है 10% एंड वेरियंस इज 36। बेसिकली रूट ऑफ वेरियंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आया आपको ये? या नहीं आया बताइए जरा। तो आपके पास क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है? 0.5 स्क्यूनेस है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्यूनेस हो गया, और क्या दिया हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस दिया हुआ है आपके पास में, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये गिवन है आपके पास में। कितना दिया हुआ है? 10% है। तो यहां से आप मीन की वैल्यू निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो कितना हो गया? ये 0 से 0 कट गया, तो 60 इक्वल्स टू मीन हो गया। ये बात समझ में आपको आई? स्टैंडर्ड डेविएशन रख दिया ना आपने, तो एक आपके पास में मीन है, आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन एक कोएफिशिएंट है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? अब आप मीन माइनस मोड, आप यहां से मोड की वैल्यू निकाल सकते हो, फाइंड फाइंड द मीन एंड मोड। मीन तो निकाल लिया, मोड निकाल लोगे? मोड का फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, ये क्या आपके पास में 0.5, आधा मीन। मीन क्या आपके पास में? 60 माइनस मोड, यही तो निकालना है आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आपके पास में? 6, तो 6 का आधा, 6 गुना आधा मतलब 3 माइनस 57, मतलब 57 इक्वल्स टू मोड। क्लियर है बच्चे? ये सब सवाल आते हैं, आसान हो गया ना आपका टॉपिक। आगे क्या जो आता है? फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द अर्थमेटिक मीन इज द 45। ठीक है, मीडियन भी दे दिया भैया, और क्या चाहिए? द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये भी दे दिया आपके। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे आप यहां सबसे पहले
और उसके बाद मोड, अब स्टैंडर्डाइजेशन आपके पास में आ गया, तो स्टैंडर्डाइजेशन के हेल्प से दोबारा फॉर्मुला अप्लाई करके वहां पे मीन और मोड वाला, तो मोड निकाल लोगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लोगे आप, हो जाएगा बच्चे? मुझे लगता है कि कोई डाउट का विषय होना चाहिए। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ दिस द मीडियन एंड मोड डिस्ट्रीब्यूशन आर रिस्पेक्टिवली, बस सब कुछ तो है आपके पास में, सेम हो जाएगा बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्वेश्चन देखो सामने अपने स्क्रीन पर, ये हो जाएगा भैया? आपको पास में क्या दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है मीडियन एंड मोड, मीडियन आपके पास में 42 और मोड 32 दिया हुआ है, क्लियर है? आपके पास में मीडियन है, मोड है, और आपको फाइंड क्या करना है, द मीन द स्टैंडर्ड डेविएशन, और कुछ दिया हुआ है आपके पास में, द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट द मीडियन एंड मोड आर डिस्ट्रीब्यूशन आर। तो मीडियन और मोड से मीन निकाल नहीं सकते क्या आप? फंस क्यों रहे हो? देखो मीन माइनस मोड इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला प्रकट करना हो किसी को, ये फॉर्मूला है, तीन में से दो दिए हुए, तो मीन माइनस मोड 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ठीक है? मीन ही तो निकालना है, मीन मिसिंग है। मोड क्या है? 32, 3 मीन। मीडियन क्या है? 3 टाइम्स मीडियन 42। अब सॉल्व करोगे तो 2 मीन आ जाएगा। 2 मीन कैसे? 3 मीन माइनस में 1 मीन, 2 मीन। इधर सॉल्व करेंगे तो 120 और 6, 126 माइनस का प्लस का, ये कैसे, ये कैसे होगा भाई? इसको इधर माइनस करा तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना? तो ठीक है, तो क्या जाएगा? 126 में से 32 गया, 4, 12 में से 3 गया, 9, 94, क्लियर है बच्चे? एंड मीन इक्वल्स टू 47 लीजिए। द मीन द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कैसे? मीन माइनस मोड, मीन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, निकाल लोगे 0.5 आधा। मीन क्या है आपका? मीन आपका 47 है, मोड क्या आपका? 32 है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सॉल्व करेंगे आप तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1 अपॉन 0.5 डिवाइडेड बाय आधा, तो बन जाता है वो पूरा, तो 15 का पूरा 30, क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है? देखते हैं एक बार। नहीं, आधा नहीं है, 0.5 है ना? हाँ, अब होगा, क्या बन जाएगा आपका? 30। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास में हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा था आपसे, नहीं निकाल लिया। अब द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये पूछ रहा है आपसे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। क्या आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है? क्या आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है? क्या आपके पास में मीन नहीं है? क्या आपके पास में 100 आपके पॉकेट में नहीं पड़ा? तो 3000/47, 3000/47 क्या है आपका? 63.82%। भाई बात बताइए, समझ में आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये सवाल आपके आते हैं 10 ईयर में, देखोगे तो शुरुआत में आपको मीन मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल डेविएशन चिपका हो रहता है ये सवाल, ए पार्ट बी पार्ट में कहीं ना कहीं वहां बच्चा परेशान हो जाता है, ये क्या आ गया। अब आपका जो है कल की क्लासेस में कोर्टिसिस के बारे में पढ़ाऊंगा कल, उम्मीद करता हूँ कोर्टिसिस आपका जो है वाइंड अप भी हो जाएगा। लगातार क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ, भले 1 घंटे क्लास नहीं जा रही है, भले 5 मिनट क्लास लेट जा रही है, बट कोई बात नहीं, क्लासेस आपके रेगुलर मैं डिलीवर कर रहा हूँ और कोर्स मेरे दिमाग में है। कल के बाद हमारे पास में मात्र मात्र 2 यूनिट रह जाएगा, टाइम एंड सीरीज और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कल आपका कोर्स लगभग लगभग आपका कोर्स कल की क्लासेस में 70% के आसपास कोर्स आपका कवर हो चुका होगा, और आप इसकी रिवीजन, इसकी प्रैक्टिस, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारा पेपर है 1 दिसंबर के एंड में, मेरे पास में बचेंगे फिर भी 12 से 14 दिन, ये उसका बचेगा मेरे पास में अगला महीना। तो 2 यूनिट के लिए वो चीजें ठीक रहेंगी, आप करिए जो आपको पढ़ाया गया अभी तक। फिलहाल मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।